Have any doubt? Question me. Please send it to me. I'll start from there only. और नहीं तो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं. सर, लास्ट टू लास्ट क्लास आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से डाउट था. भेज सकते हो या बोल सकते हो प्लीज. सर, वो एक्स रेस टू 7m प्लस एक्स रेस टू 2m वाला था, भेजा है मैंने सर. हाँ, मुझे भी डाउट है. Send this again, please. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Anyone? Maximum 2 minutes for you.
आप बता दो ना। तो ये वाला हो गया था। यस, वो भी होना चाहिए ऊपर वाला। एक्स को कॉमन लेके देखो ना, कुछ हो रहा है क्या? एक्स एक्स टू द पावर एम कुछ कॉमन लेके देखो एंड दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करके। वन बाय एम होता तो हो जाता। भौमिक तुमने कुछ बोला शायद? उसको 1/m बनाने का ट्राई भी किया तो भी कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं कर देता हूँ, दो मिनट सबको ट्राई भी एक बार कर लेने दो फ्रेश माइंड से। स्टार्ट में कर लूं? आगे सबने देख लिया होगा एक बार।
ऐसा लिख दूं चलेगा? दिस वन को अलग रखा, एन बाई एम वहां लिया, एक्स यहां दूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा, तो ये सेवन एम हो गया, राइट? एक्स टू द पावर एम इसमें है मेरे पास, एक मिनट क्वेश्चन चेक करूं, वन प्लस वन बाई एम था या वन बाई एम था? Simplicity, it's 1 by m only, the power, right? ये number है तो इसको t जाएगा dt. सर समझा नहीं, वो t लेंगे तो फिर वहाँ पे x is to 3m minus 1 आना चाहिए ना? हाँ सर. और एक मिनट रुको, क्वेश्चन में कुछ तो लुच्चेद आती है, अभी देख लेता हूँ बेटा. एम प्लस वन बाई एम था क्वेश्चन, यही था, एक बार चेक कर लेना प्लीज. हाँ सर. क्वेश्चन इज समथिंग दिस फॉर्म, आंसर के फॉर्म इस फॉर्म में आने के लिए. आई गेस डायरेक्ट है ये. हाँ सर. हाँ सर. एक्स टू द पावर सेवन एम माइनस वन, वो लगता है जो ऑप्शन है वो यहाँ पर उसने लिख दिया है. x to the power 7m
प्लस 7 एक्स टू दी पावर 2m प्लस 14 एक्स टू दी पावर m 1 बाई m डी एस। ओके, ये t है वो dt है, तभी ये आंसर मेरे पास आ भी रहा है 14 1 बाई m प्लस 1। प्लीज सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर था, ये भी एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेशन है। राइट, साफ आपको फोर्स कर रहा है बाई पार्ट्स के लिए। ये वाले पर बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करो, डू इट फास्ट। हो गया बेटा, एक लाइन में हो गया सर। दिवेश, हाँ सर, हाँ क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? cos x equal to t डाल सकते हैं क्या? ऐसा क्यों लग रहा है आपको cos x को t डालना अच्छा रहेगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि cos x को t डालना अच्छा रहेगा? वो मैंने भी वैसे ही किया था, उससे होता है बट थोड़ा बड़ा हो गया था। बड़ा चला गया? हाँ सर, बट हुआ था। लेने पर कैसा रहा, ठीक रहा? हाँ सर, बाई पार्ट्स से सर बहुत छोटा है, बाई पार्ट्स से छोटा डायरेक्ट आ रहा है। हाँ ठीक है ना। cos x को t लेना वैसे दिमाग में क्यों आया सिंप्रीति? सर नीचे साइन एक्स रेस टू 7 था ना, तो ऊपर साइन एक्स मल्टीप्लाई गया तो डी कॉस एक्स। नंबर 7 भी तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, वहां 7 लिखा हुआ है नंबर, नहीं? हां सर, वो आया नहीं दिमाग में। हां उसका तो बहुत बड़ा एक वो हो जा रहा है ना, डायरेक्टली वहां से हमें ड्रैग करना सबसे आसान हो जाएगा ना। ये नंबर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, लास्ट हम लोगों ने किया था, ऑब्वियसली सबको याद ही होगा, लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो हम लोग प्रॉपर्टी कर रहे थे कि जब हमें ब्रेक करना हो फंक्शन को तो हाउ इट वर्क्स। हाँ, बड़ा प्यारा वर्क करता है एंड उसमें काम करना बड़ा आसान सा हो जाता है, राइट? सो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, पहला तो देन लेट्स होप कि उसमें कैसे वर्किंग हो सकती है, अगर ब्रेक करना हो या सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे से करना हो तब किस तरह से हमारी वर्किंग हो सकती है, राइट? सो
सर मेरे तो डाउट्स रह गए। भेजा आपने? हाँ सर भेजा। और निनाद अभी आते हैं बेटा, ये समेशन वाले में आज ही शायद हो जाएगा, हम लोग को आज कर देंगे। सेकंड वाला देखता हूँ, नहीं ये गणेश का है सर। गणेश पहला वाला थोड़ा सा रुक जाओ, शायद आज हो जाएगा ना। सेकंड वाले को अभी कर देता हूँ पहले। आप लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व कर दूं? ट्राई
ओके डन सी सर मेरे घर पे करंट नहीं था, जॉइन नहीं कर पाया था। क्या लग गया? करंट नहीं था मेरे घर पे तो वाईफाई। एक मिनट आउट्स ले रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर, देखो रो सब्स्टिट्यूट करके सर हो, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर। बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन जाएगा, सब कुछ अपने आप में हाथ में आ जाएगा सॉल्व होकर। ठीक है वैसे भी ठीक। सर मैंने दूसरा मेथड किया। क्या किया बताएं? सर सबसे पहले मैंने 1 प्लस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 माइनस x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सर फिर मैंने स्क्वायर रूट में से x स्क्वायर निकाल दिया तो बाहर x आ गया, अंदर आ गया x प्लस 1 बाय x प्लस 1। सर फिर 1 प्लस x का होल स्क्वायर है जो नीचे, उससे मैंने रूट x कॉमन ले लिया तो और एक x बाहर आ गया। सर फिर ऊपर बच गया x प्लस 1 बाय x का डेरिवेटिव आ गया और नीचे आ गया x प्लस 1 बाय x प्लस 2 और रूट ओवर x प्लस 1 बाय x प्लस। और सर x प्लस 1 बाय x को t लेने से आ जाता है dt अपॉन t प्लस 2 रूट ओवर t प्लस। वेरी गुड बेटा, एक बार इसको देखो ना पुट करके, कहीं वही चीज तो शायद वैसा ही कुछ आएगा। सर वो कैसे? कैसे पता चला 1 बाई टी स्क्वायर लेना है? दो चीजें, पहला अंडर रूट को हटाना था उसके लिए 1 बाई टी स्क्वायर लिया ना, और दूसरी चीज मेरे को नीचे के पावर अधिक थे उसको ट्रांसफर करना था, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उसे ब्रेक करने के लिए दूसरी काम किया हमने। तो दोनों हम लोग काम करने पर वर्किंग हमारा आसान हो गया। ठीक है क्या? गेस और किसी के डाउट आगे नहीं हुआ क्या बेटा? ये हुआ नहीं, नहीं हुआ, ये अभी कर देता हूँ। जैसे मैंने 1 बाई टी स्क्वायर रखा तो वो जीरो जो है वो इन्फिनिटी चला गया, 1 है वो 1 ही रहेगा। अब ये आ गया 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर राइट। डी एक्स करूंगा तो माइनस 2 बाई टी क्यूब आ जाएगा राइट। टी टू रिपॉज 6 ऊपर गया तो ये टी टू रिपॉज 6 का अंडर रूट हो गया, वो अपने आप में कैंसिल हो गया और नीचे बच गया टी टू द पावर 6। तो दिस इज 1 बाई 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई टी टू द पावर 6 राइट। तो ये गया टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 1 कुछ ऐसा राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए, इन्फिनिटी टू 1 माइनस साइन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ से टी एक मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से टी एक कॉमन लिया टी प्लस 1 बाई टी को जेड ले लूंगा, ऊपर डी जेड आ जाएगा। हमें हाँ सर,
सिंपल जाएगा ये। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने जो किया है या जस्ट ब्रेक किया है फंक्शन को, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होती है। ये प्रूफ दैट दे रहा हूं, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है, बाद में जीरो टू वन हो गया। ओके,
लेट्स ट्राई, मैं स्टार्ट कर दूं। सर एक मिनट, फास्ट फास्ट डू इट फास्ट, सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी, इट्स ओके। Okay, let's start with this. एक मैं यही 0 to 1 इसे ही ट्राई करता हूँ ना, लेफ्ट टू राइट। आप एक बार कोशिश करना बाद में राइट टू लेफ्ट, राइट। एक्चुअल में मेरे को जो लिमिट्स चाहिए वो चाहिए 0 to infinity, राइट, जबकि इट्स कमिंग एज 0 to 1। दो तरीके होते हैं इसे 0 to infinity करने के लिए। अगर मैं इस तरफ से जा रहा होता तो इसे ब्रेक करता दो पार्ट में, एक होता 0 to 1, दूसरा होता 1 to infinity। फिर 1 to infinity एंड 0 to 1 को अकॉर्डिंगली मैं चेंज करता। बट यहाँ के लिए भी अगर मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, राइट, तब भी मेरे पास एक उपाय है, राइट। क्या उपाय है ये देखो, पुट एक्स इक्वल टू 1/t, राइट। एक्स को जैसे मैंने 1/t पुट किया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये 1 हो गया। dx हो गया -1/t² dt अपॉन दिस इज t^n -1^1n इंटू t^n। राइट, एंड 1/n पावर है तो यहाँ का पावर 1/n होके केवल t बच गया, राइट। सो माई क्वेश्चन इज, राइट, लिमिट माइनस से चेंज किया -∞ to 1 dt अपॉन t टाइम्स t^n -1^1n। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलोगे कैसे खत्म हो गया सर, तो ऐसे खत्म हो गया क्वेश्चन, ये जो मेरे पास है t^n -1, उसे z^n मैंने ले लिया, राइट। तो n इंटू t^n -1 dt इज इक्वल टू n इंटू z^n -1 dz, राइट। तो t^n -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट आई एम गेटिंग, t^n -1 dt इज इक्वल टू z^n -1 dz अपॉन t^n इज नथिंग बट z^n +1 इंटू दिस t^n -1 इज इक्वल टू z^n, तो दिस इज z ओनली। राइट, एंड लिमिट मेरे पास जो था जो 1 पर ये आ रही थी वो 0 हो गई, इन्फिनिटी वाली तो इन्फिनिटी ही रह गई, राइट, समथिंग लाइक दैट। यहाँ तक नोट कर लो, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक आप कर लें फिर आगे बताता हूँ। No.
मैंने x equal to tan theta put करने का try किया। अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में सर्च कर सकती हो, अभी रुक जाओ। बट अच्छा substitution है वो। अभी थोड़ा initial stage है। अभी यहाँ पर एक प्यारा substitution जाना है। यहाँ के बाद कोशिश करो तो, take your time, 2-3 minutes लो तो, सोचो थोड़ा सा, यहाँ development शायद होगा। सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है। वेरी गुड गणेश, बहुत अच्छे। सर हो गया। माइनस साइन को हटा दिया देवेश, जिससे वो लिख दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट, इसके आगे के स्टेप के लिए व्हाट वी कैन डू, बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन, 0 to infinity, ऊपर नीचे हमने जेड टू दी पावर एन से डिवाइड कर दिया। डिजिट राइट, 1/z को हमने टी दे दिया, -1/z² dz इज इक्वल टू dt हो गया। लिमिट जो जीरो थी वो इन्फिनिटी चली गई, जो इन्फिनिटी थी वो जीरो। -1/z² dz इज dt विथ माइनस साइन अपॉन 1 + t^n, राइट। ये माइनस साइन के कारण मैं ये दोनों लिमिट को इंटरचेंज कर सकता, राइट। दोनों लिमिट इंटरचेंज होने के बाद ये आ रहे होंगे 0 to infinity dt अपॉन 1 + t^n। इज इट ओके? राइट। तो ये हम लोगों ने जो ब्रेक करने के लिए था, अभी और भी इसमें बातें आएंगी, राइट। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। तो वो लेफ्ट टू राइट के लिए क्या करना था? अब लेफ्ट टू राइट के लिए एक बार आप कोशिश करना, मैंने पूरा कर ही दिया है वैसे तो, मतलब समझ ही गए होगे। जेड इज इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट करते ही आप वहां पर पहुंच जाओगे, और उसके बाद का सब्स्टिट्यूशन तो आप जानते ही हैं ना। उल्टा जाना ना सर, उसमें उल्टा जा सकते हैं वहां से। Okay, now
तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने की थी लास्ट क्लास में ना, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो इवन एंड ऑड फंक्शन की होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने में आसान हो जाते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लिमिट होनी चाहिए वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में होनी चाहिए, तभी मैं इवन ऑड की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर है ही नहीं वो लिमिट तो मैं इवन ऑड की कभी बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ, उसे देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लॉग हाफ से लॉग टू, तो वो भी वही है माइनस ए से प्लस ए तक ना, बोलने का तरीका अलग अलग रहेगा, राइट। तो माइनस ए से प्लस ए तक में हमारा एफ एक्स डी एक्स, राइट, इसके इंटीग्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना? तो इसके लिए व्हाट वी कैन से कि मैंने दो पार्ट में से प्रूविंग को देखना बहुत जरूरी है अच्छे से ना, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। फर्स्ट वाले केस में मैंने एक्स की जगह माइनस टी ले लिया, तो माइनस टी लेते ही ये आ गया ए तो जीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट, विथ माइनस साइन। माइनस साइन के कारण ये दोनों लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और इंटरचेंजिंग के बाद राइट डायरेक्टली इट्स कमिंग एज माइनस वाला प्लस कर दिया जीरो टू ए एफ ऑफ, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है ये, जो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये बहुत जगह पर यूज होगा। किसी भी स्टेज में जाके आप किसी भी टी को एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इसे आप लिख सकते हो नाउ जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, सही है ना। अब यहाँ आने के बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि एफ एक्स के साथ में दो बातें हो सकती है, या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा। अगर वो ऑड होगा तो 100% दोनों कैंसिल होकर आंसर ही जीरो हो गया, अगर इवन होगा तो दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई ऑड या इवन के लिए। अच्छी बात ये है कि अगर ऑड है तब तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया, इवन है ऐड ट्वाइस करने के बाद इट्स कैन यू सी दिस एवरीवन? यस सर। आयुष इज इट ओके बेटा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। दिख रहा है अब? कैन यू सी दिस? हाँ ना, कुछ तो बोले। निनाद दिख रहा है क्या? हाँ सर। आयुष ओके? यस सर। उदित? हाँ सर। हाल चाल कैसा है? ठीक हूँ सर। नोट कर दिया? नहीं सर, वही बोल रहा था कि अभी इसको स्टार्ट किया है लेकिन। हाँ हाँ, पहले समझ के आराम से, नहीं होगा बोलना, एक बार फिर मैं समझा दूंगा ना। ये हाँ, ये प्रूविंग है ना, डेफिनेट के ख्याल से ये प्रूविंग ही अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे इस प्रूविंग से। सर हम लोग को ऐसे ही ब्रेक करना होगा ना, अगर फंक्शन जीरो पे डिसकंटिन्यू है से तो भी चलेगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होता। इवन ऑड के लिए तो जीरो पे कंटिन्यूटी जरूरी नहीं होती ना। सर एक डाउट है। हमने वो टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया ना। हाँ सर, वो साइन स्विच करने के बाद भी हमने उसको रिप्लेस कर दिया, वो चलता है क्या? कभी किसी भी स्टेज में ले जाके आप लिख सकते हो ना, तो आइडेंटिटी रूल बोला जाता है, किसी भी एक्स और टी के लिए हमेशा वो वैलिड होगा। ओके
ओके डन सर। राइट, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको ध्यान से, डायरेक्टली कमिंग इनटू दिस। माइनस हाफ टू प्लस हाफ, only four.
Very good. Let's start. First one, obviously, without any fail, everyone is getting this zero. Second one, this term will be zero, right? Odd function है वो. And ये greatest integer को solve करना है. दो तरीके हो सकते हैं solve करने को. We can break this as minus half to zero plus zero to half. Zero to half में this will be zero, but minus half to this will be minus of this. Minus this will be x between zero minus half to zero. Right? So minus one into zero minus of half, that will be minus of half. Right? और वो तो जीरो आ ही गया था. थर्ड वन अगेन वी नो दैट माइनस टू टू प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इन द मॉड डी एक्स. राइट, सिंस दिस इज एन इवन फंक्शन, राइट, एक्स की जगह माइनस पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो जीरो टू टू मॉड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. राइट, and we know that mod we have to open, so again we have to work as 0 to 1 and 1 to 2, right? For 0 to 1 this will be 1 minus x square, for 1 to 2 it, this will be x square minus 1, x minus x cube by 3 between 0 to 1 plus x cube by 3 minus x 1 to 2. At 1, this will be 1 minus 1 by 3. At 0, this will be 0. At 2, 8 by 3 minus 2 minus 1 by 3 minus 1. 2 by 3 plus 2 by 3 plus 2 by 3. 6 by 3. Sir, 4. Sir, आपने 2 से multiply नहीं किया, sir. हाँ कर दूंगा, आखिर में वो भी कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये और टू जो हमारे पास था, यहाँ वाला टू ट्वाइस ऑफ यहाँ जाएगा, वो आखिर में मल्टीप्लाई. ओके, सो इवन और ऑड के लिए, राइट, इसकी बात ना ही करें तो अच्छा है. अगेन यू आर गेटिंग जीरो. राइट, नेक्स्ट सेकंड वाला दिखाइए ना, देख लो बेटा जल्दी, लेकिन थोड़ा सर सेकंड वाला वही तो लिखा है ये यहाँ पे, सेकंड है ये, जीरो हो चुका है. राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया. ओके सर, आपसे जीरो एंड जीरो टू, ठीक है? हाँ सर. राइट, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में f of x, g of x, odd even कुछ दिया है? नहीं कुछ है ये. ओके. f x g x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. हाँ, सेकंड में माइनस वन टू थ्री ये के बारे में. सिंपल है बट थोड़ा सा इनोवेशन है, सो केयरफुल. सेकंड में पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है? नहीं बेटा, ब्रैकेट ओनली. सो फर्स्ट ही ब्रैकेट? हाँ ब्रैकेट.
फर्स्ट वाला जीरो जीरो आया। सेकेंड में वो ब्रैकेट जी आई एफ है क्या? सर जी आई एफ है वो सर, सेकेंड क्वेश्चन में वो स्क्वायर ब्रैकेट जी आई एफ है। कोई भी दोनों क्वेश्चन में जी आई एफ नहीं। तो हो गया फर्स्ट का आंसर जीरो, सेकंड का आंसर फाइव। अभी देख लेते हैं पाई, पाई का हिसाब लूंगा, हर एक पाई आपके पास होना चाहिए। आंसर क्या है? थोड़ा सा टाइम दे दो। तो सेकंड का आंसर क्या आया? नहीं पता क्या है आपका? टू पाई आ रहा समझो। एक पाई एक टू पाई, अभी देखते हैं। टू पाई होगा, मैंने माइनस वन नहीं लेता, वन ले लेता। टू पाई होगा। एक पाई लेके हैं, दो टू पाई है, दोनों मिला के चार पाई हो गए। तर मैं पाई क्या गणेश? सर मैं पाई बोल रहा हूँ। हाँ पाई पाई जोड़ के ही बहुत कुछ बनता है गणेश, सही बोल रहा है। लिख लें फर्स्ट का तो ऑब्वियसली जीरो होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले में एक माइनस साइन आ जा रहा है, मीन्स फर्स्ट का आंसर जीरो होगा। ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है, सभी को ये क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ x की जगह माइनस x डालूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, राइट? तो एक पूरे से माइनस साइन निकालना पड़ेगा, मतलब ये पूरा जो ये ऊपर का फंक्शन ऑड है और नीचे का फंक्शन इवन है, तो ऑड अपॉन इवन जो होता है वो ऑड हो जाता है, ऑड फंक्शन हो गया, सो माइनस से प्लस में जीरो होगा, राइट? इसे देखते हैं, माइनस वन से वन में ये है टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, इसमें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। ऑब्वियस ही बात है ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो ये तो जीरो हो गया माइनस वन से वन, बच गया अब वन से टू। वन से टू में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये है टेन इनवर्स एक्स और ये है कॉट इनवर्स एक्स, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का सम जो होता है वो होता है पाई बाई टू, राइट? तो आंसर हो गया टू पाई। आपके पास इसलिए आया होगा क्योंकि आपने सीधा का सीधा इसे लिख दिया होगा पाई बाई टू, दोनों को ऐड करके, बट ऐड करने में एक गड़बड़ चली जाएगी, नेगेटिव के लिए टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स डायरेक्टली चेंज नहीं होता यार। आपको टू टू थ्री सभी को क्लियर होगा। इज इट ओके एवरीवन? राइट, सो इवन ऑड का फंडा है ऑब्वियसली, यू नो आराम से हो जाने हैं। हाँ दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर्टी फाइव के। प्रॉपर्टी फाइव में हम लोगों ने अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहा
For this we can write a to b f of dx, f of a plus b minus x dx. फर्स्ट में हमने एक्स को पुट कर दिया ए प्लस बी माइनस टी, तो डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी टी. लोअर लिमिट जो मेरे पास है ए रखूंगा तो ये आ गया बी, अपर लिमिट आ गया ई, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी ऑफ डी टी, राइट विथ माइनस साइन. माइनस साइन के कारण लिमिट को इंटरचेंज कर दिया ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी ऑफ डी टी, राइट. तो अब t को मैंने अपने तरफ से बोला कि भाई तुम x हो जाओ, राइट. ये आपके पास प्रूविंग है, नोट डाउन प्लीज, अच्छे से नोट करो, हो सके तो दो बार करो, एकदम दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए.
okay, only 5. Very good, Ganesh. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जो आपने ऊपर किया है, राइट? एवरीवन राइट डाउन आंसर इन चैट. निनाद, तनय, आर्यमन, आशीष, आधार, आदित्य, अपर्णा. अरे अपर्णा आज क्लास कर रही है, सम्यक नहीं आया क्या? नहीं सर. अश्विन, ऑस्टिन, आयुष, दीप, देवेश, हर्षवर्धन, जतिन, लवण्या, नेहा, सम्यक, सत्सेल, साकीर, श्रेया, श्रीकांत, श्वेतांग, सिद्धार्थ, सौम्यदीप, संप्रीति, सुश्रुत, सुतीर्थ, तनिष, उदय, उत्कर्ष, वेदांत, एवरीवन राइट डाउन आंसर. सर पहला वाला ही आया मुझे, बाकी कोशिश करते जा बेटा. एक बार सेकंड वाले को भी वही फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स के जगह पर रखो ए प्लस बी माइनस एक्स, देखो क्या आ रहा है, राइट? देवेश, पाई पाई का हिसाब लो. सुश्रुत, वेरी गुड. तनय, वेरी गुड.
फर्स्ट वन इज पहले भी कर चुके हैं राइट, ए प्लस बी माइनस एक्स जैसे लगाऊंगा, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज वन डी एक्स, वन का मतलब हो गया पाई बाई टू, टू से डिवाइड कर दिया, आई का मतलब हो गया पाई बाई फोर। ओके सेकंड पर आ जाएं, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जाएगा, राइट आई फिर से आई लगाया, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा, वन प्लस कॉट आ गया, ये कॉट को साइन कॉस में दोनों को कन्वर्ट कर दिया, टू आई इज इक्वल टू वन डी एक्स, राइट फिर से आ गया पाई बाई फोर, सिंपल राइट। थर्ड ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दिया, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, साइन टू पाई बाई टू ए प्लस बी माइनस एक्स लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स जो कि कॉट हो गया राइट, साइन टू एक्स बाहर आ गया, दोनों कैंसिल ही हो गए, माइनस आने के कारण तो जीरो हो गया। क्लियर है ना सभी को, किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। कौन सा बेटा, विच वन? फोर, फोर तो अभी स्टार्ट, थर्ड वन, ये एक्स के जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स रख दिया, थर्टी प्लस सिक्सटी विल बी नाइनटी, तो नाइनटी माइनस एक्स रखूंगा तो पाई माइनस एक्स, ये तो सीधा का सीधा वही आ जाएगा साइन टू एक्स, और लॉग में ये आ जाएगा लॉग कॉट एक्स जिसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लॉग टेन एक्स, दोनों को ऐड किया तो माइनस एक में प्लस एक में तो कैंसिल हो गया राइट। यहाँ भी ए प्लस बी माइनस एक्स लगाया, दोनों को ऐड कर दिया, 5201 b माइनस ए बाय टू 25। ओके ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है, लेकिन हाँ ये हमें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए एंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, इसलिए बहुत सारी जो वैरायटी है उसके क्वेश्चन में आपको सीधा सीधी करवाते जा रहा हूँ राइट। ए प्लस बी माइनस एक्स राइट, फोर प्लस थ्री साइन लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री साइन एक्स डी एक्स, दोनों को ऐड किया, टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई एट टू थ्री पाई बाई एट, दोनों को ऐड किया जीरो, आंसर विल बी जीरो। कितने लोगों के ऑल ऑल फाइव करेक्ट रहे, राइट डाउन यस इन चैट। कितने लोगों के और आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करके दिखाओगे तो आंसर्स चेक कर सकते हैं। b माइनस ए बाई टू जो आंसर है आपके पास जो क्वेश्चंस के ना, या तो वो जीरो हो रहा है, और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वो है b माइनस ए बाई टू, ए टू b के इंटीग्रेशन में।
राइट, तो इसका भी b माइनस ए बाई टू में चला गया होगा, इसका भी चला गया होगा, इसका भी चला गया होगा, ये दोनों जीरो चला गया। हाँ सर आए सर। हाँ मैं फॉर्मूला बनाना ना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता फॉर्मूला ये करना, बट ऑब्वियसली यू कैन फ्रेंड फ्रेंड दिस माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई डी एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर टेन एक्स। बहुत अच्छे, धीरे धीरे सब लोगों का, कितने लोगों के 5 सेकंड राइट थे वो लिखेंगे प्लीज, नंबर लिख दें जितने भी रहे हों 5 सेकंड। पूछना चाहेंगे कुछ या ओके 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 है? Like only 5. आशीष, तनय, भौमिक, उदय, श्रीकांत, जतिन, आदित्य, अश्विन, एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग प्रीवियस वाले में? नो सर। ठीक है, ये ट्राई करें फिर। मैं आपके वॉयस को पूरी पब्लिक की वॉयस मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ।
टुडे स्टार्ट मैं स्टार्ट करूं सर एक मिनट
start? Yes, sir. See, it's a beautiful arrangement, right? जितने इस बार क्वेश्चन दिए हैं सबके सब क्वेश्चन में कोशिश है कि ये प्रॉपर्टी को हिडन तौर पर यूज करो या कहीं कहीं पर डायरेक्ट यूज करो. सर आप म्यूट पे हो. हाँ बेटा देखो ना पूरा लिख दिया ये सॉल्यूशन. गॉट दिस. पहले ए प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो पाई बाई फोर कैंसिल होके माइनस एक्स हो गया. तो ध्यान देके देखो ये यहाँ पर माइनस एक्स आ गया यहाँ माइनस एक्स आ गया राइट. तो इससे हमारे पास ये बन गया कुछ ना. ठीक है जी गया एंड ये आंसर. ओके डन. यस सर आंसर राइट. सेकंड का आंसर देखते हैं क्या जाएगा. dx upon 1 plus 2 to the power 10 तो minus 10x हो जाएगा a plus b minus x लगाने पर तो get 2 to the power 10x dx upon 1 plus 2 to the power 10x 0 to pi 2y is equal to 0 to pi right 1 plus 2 to the power 10x dx upon 1 plus 2 to the power 10x दोनों cancel हो गया right pi आ जाएगा. टू से डिवाइड किया पाई बाय टू द आंसर राइट.
I is equal to 0 to 1, tan inverse 1 upon 1 minus x plus x square, right? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं मतलब इसी के रेसिप्रोकल को करके सीधा का टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का राइट कन्वर्ट कर सकता हूं और वी कैन राइट दिस एज 0 टू 1 टेन इनवर्स x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x x माइनस 1 राइट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया माइनस 0 टू 1 टेन इनवर्स x माइनस 1 राइट जो टेन इनवर्स x माइनस 1 है अच्छी बात क्या होगी कि इससे अगर मैं माइनस बाहर निकाला प्लस 0 टू 1 tan inverse 1 minus x a plus b minus x लगाया twice of 0 to 1 tan inverse x tan inverse x के लिए 1 into tan inverse x right we know that x into tan inverse x minus 0 to 1 1 करूंगा तो ये गया pi by 4 minus 0 to 1 x upon 1 plus x square dx 2 से multiply 2 से divide log of 1 plus x square चला गया 1 by 2 log of 1 plus x square कहां से कहां तक 0 to 1 1 रखूंगा तो right 2 आ गया मेरे पास तो ये आ गया pi by 4 minus of ln 2 कुछ ऐसा आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वहां भी 2 था तो पाई बाय 2 माइनस ln 2 ln 2 यही है यस सर to 3 x square dx upon x square plus x minus 5 the whole square ये लिखा हुआ देखो yes sir खत्म हो जाएगा यही तो 2 to 3 a plus b minus x दोनों को ऐड कर दिया dx right 1 आ गया 1 by 2 आंसर चला गया right yes sir सबसे मजेदार अच्छा सा क्वेश्चन ये रहेगा अगर x वगैरह के फैक्टर x x स्क्वायर x क्यूब के फैक्टर होते हैं वो कुछ आपके पास आ रहे हैं समथिंग लाइक दिस राइट अब ये x को हटाने के लिए अब बाई पार्ट्स पे मत जाएं पहले कोशिश करें x को हटाने का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ a plus b minus x पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर ए प्लस बी माइनस एक्स करूंगा तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स राइट दोनों को ऐड कर दिया टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर एक्स एक्स कैंसल एक्स वन प्लस साइन एक्स राइट ठीक है ना बहुत ही सिंपल सी बात हो गई अब तो राइट एक प्लस वन कर दिया और एक माइनस वन कर दिया राइट ये पाई डी एक्स माइनस पाई बाई फोर टू थ्री पाई बाई फोर पाई बाहर 1 minus sin x upon cos square x dx, right? sec square x minus sec x tan x pi 3 pi by 4 minus pi by 4 2 pi by 4 that's pi by 2
राइट माइनस पाई, इसको करूंगा तो sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x को लिख ही देता हूँ सीधा इंटीग्रेशन करके, tan x माइनस sec x पाई बाई फोर टू थ्री पाई बाई फोर, राइट पाई बाई फोर पर हो गया माइनस वन एंड माइनस मिला जुला के पाई बाहर टू से डिवाइड कर दिया, आई इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस रूट टू माइनस वन समथिंग लाइक दिस। कितने लोगों का सही है? मुझे प्लस रूट टू माइनस होना है, माइनस होगा ना, थ्री पाई बाई फोर पे तो माइनस आएगा ना, तो ये प्लस हो गया और बाहर एक माइनस साइन है, आई गेस माइनस होगा, चेक करो एक बार। इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी ना, इसके क्वेश्चंस में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, वी नीड कि थोड़ा सा इसमें जितना हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे ना तो आपके लिए उतना आसान। तो अगेन राइट, तो कितने लोगों का, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में से कितने कितने सही हैं ये बस जल्दी जल्दी आंसर अगर मिलाना है तो देख लें एक बार। फाइव फोर कोई मुझे एक्सप्लेन करना है किसी क्वेश्चन को? सर लास्ट वाले में मेरे को भी प्लस है। दिखाऊं ना मुझे वो प्लस ही आ रहा है, बात नहीं कैलकुलेशन देख लेता हूं एक बार, यहां से माइनस माइनस प्लस तो नहीं हो रहा, 3 पाई बाय 4 मैंने पहले रखा तो ये आ गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2, माइनस ऑफ पाई बाय 4 रखा तो आ गया 1 माइनस ऑफ रूट 2 राइट, और इसके आगे है माइनस पाई, माइनस आ रहा है मेरे को तो यार, टू से डिवाइड हो रहा है, माइनस टू प्लस टू रूट टू आ रहा है, और माइनस साइन ये वाला भी तो है, आपने कहीं माइनस को इंसर्ट तो नहीं कर दिया है? समय माइनस का प्लस हो रहा होगा फिर, ओके हाँ बहुत कम लोगों का रिस्पांस आया है, मैंने पूछा कितने लोगों का सही है जितना नंबर वो लिखने को, आदित्य वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको बेटा? आशीष नहीं सर, मान्या कितने सही तरह? श्रीकांत सिद्धार्थ उत्कर्ष वेदांत दीप सिद्धार्थ श्रेया, अरे मैं रिजॉइन करो एक बार, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। क्या बोल रहा है? रीजॉइन करो एक और बार, रीजॉइन करो। हाँ कर ले तो। नेक्स्ट जीरो टू पाई बाई टू x sin x into cos x upon
5 questions.
Ganesh, very good. Everyone, go for this. Well done. Very good. Hope everyone is getting this. Now this time I'm writing the answer, na? सीधा ना काफी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, कहीं दिक्कत जाएगी आपको देन आई गो फॉर द सॉल्यूशन. पाई स्क्वायर बाय 16 यस सर. पाई बाय 16 लॉन 2 यस सर. ऑब्वियसली देखने पे दिखाई दे रहा है जीरो. Obviously, देखने में ही दिखाई दे रहा है जीरो. पाई अपॉन रूट थ्री. अरे वाह, बहुत ओके. यस है, इट्स वेरी गुड, लुक्स गुड, वेरी गुड. सर एक बार सेकंड वाला बताइए ना. क्या दिक्कत बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाओ सीधा. पाई बाई फोर बाहर निकल गया, नीचे जो है पूरा का पूरा साइन और कॉस इंटरचेंज हो गया. मतलब आपके पास केवल क्वेश्चन ये आ गया, वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स डी एक्स. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही अगर होता तो कैसे सॉल्व करते. सही, बहुत सारे तरीके होते हैं. दिस इज टू टैन एक्स बाई टू. टैन एक्स बाई टू क्यों, टैन एक्स में चेंज, चलो ठीक है बोल सकते हो. टू साइन एक्स. हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं. हाँ ठीक है सर. वेरी सिंपल, राइट? ओके एवरीवन. सर फर्स्ट वाला बताइए ना. फर्स्ट वाला में क्या दिक्कत आया बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दिया हमने नीचे को. अगर नीचे जो है ए प्लस बी माइनस एक्स लगाने पर ये एक्स अपना कैंसिल ही हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर. इसे yes. मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? और ये आ गया साइन टू एक्स, राइट? इसे कॉस टू एक्स में चेंज करके कॉस टू एक्स को टी लेते ही ऊपर डी टी आ जाएगा. या इवन नेगेटिव पावर है शुरुआत में ही अगर आप चाहें तो यही जो है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू द पावर फोर एक्स, इसे कॉस टू द पावर फोर एक्स से मैं डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग टेन एक्स को टी लेने पर जो चाहिए वो आ जाएगा. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है.
आशीष यस सर यस सर और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं सर हो गया होने वाले क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राइट सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको राइट कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सो केयरफुल अगेन Do it fast.
डन वन मिनट सर सर डन वेरी गुड। ये सिंपल है ना, देखने में थोड़े टफ लगते हैं बट है सिंपल ये, और डायरेक्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो और भी सिंपल है। डन एवरीवन। सर एक मिनट। यस सर। Done. Yes, sir. सबके आंसर्स बता दो ना। अभी करते हैं बेटा, आंसर बताता हूँ फिर सॉल्व भी करके दिखाता हूँ ना।
ओके स्टार्ट फर्स्ट वन पाई अपॉन 8 इनटू लॉग 2 यस यस ठीक 2 पाई बाय 3 यस वेरी फेमस क्वेश्चन 0 अगेन 0 पाई बाय 4 मुझे कौन से सॉल्व करने हैं प्लीज लेट मी नो मैं सॉल्व सर लास्ट वाला फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट में क्या दिक्कत हो गई बच्चों कहां दिक्कत जा रही है तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया तो a प्लस b माइनस x वाला देखिए हां मतलब क्यों अप्लाई किया वो यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें कि डायरेक्टली a प्लस बी माइनस एक्स तुम्हें लगना चाहिए यहाँ पे x को तुमने टैन थीटा क्यों नहीं लेना चाहा हाँ सर तो ये वाला sec स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होके क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता 0 टू पाई बाय 4 लॉन ऑफ 1 प्लस टैन थीटा डी थीटा यही हो जाता जीरो टू पाई बाय 4 लॉन ऑफ 1 प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब टेन ऑफ पाई बाय मतलब पहले भी किया था राइट फिर प्लस ठीक है ठीक है और कोई थर्ड वन फर्स्ट वाला है ये तो फर्स्ट वाला ही बताया मैंने आशीष हे आशीष अच्छा अच्छा सर ठीक है आशीष ये क्या कर रहा है तू थर्ड वाला a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो साइन 8 पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स 8 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है कुल मिला जुला के ये जीरो हो गया बम्मी ओके फिफ्थ वन मेरी एक सिंपल प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन ये आई मैंने लिखा राइट फिर से आई लिखा ए प्लस बी माइनस एक्स में लगाऊंगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा दोनों को ऐड किया टू आई जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ साइन टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा राइट तो दिस वी कैन राइट 1 माइनस साइन टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर उसे टी लूंगा तो ये डायरेक्ट फॉर्म में आ गया आई गेस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर मैं टी लूंगा तो माइनस 1 टू 1 चला जाएगा कुछ ऐसा ही राइट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी इवन फंक्शन है ब्ला 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 ठीक है इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे बट ऑब्वियसली सब अभी करवा देने पर फिर बाद में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा राइट तो मैं सभी क्वेश्चन नहीं करवा के मैं प्रॉपर्टी 6 पर जाना चाहूँगा 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स पूरे स्टडी करने के बाद वो क्वेश्चन करवाने में सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा ना कि जब भी बीच में आपको मिलेगा देन यू मस्ट नो कि मुझे क्या अप्लाई करना है राइट 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स वी कैन री राइट एज 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स राइट ए टू 2 ए जो है यहाँ पर मैंने x को 2 ए माइनस टी ले लिया राइट तो अगर x को 2 ए माइनस टी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा a रख दिया राइट एक्स की जगह पर ए रख दिया ये ए आ गया टू ए रख दिया तो जीरो आ गया एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी विथ माइनस साइन आ राइट ये माइनस साइन को मैंने अप्लाई किया जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया राइट और ये भी था जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ध्यान से देखो आप अब अगर मैंने 0 टू a इसे लिखा fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा ग्राफ का
क्या ग्राफ का रोल प्ले होगा? अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो फंक्शन है उसमें f ऑफ 2a माइनस x जो है वो fx के इक्वल है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। लेकिन अगर ग्राफ इक्वल तो है बट इट्स कमिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड, माइनस fx है अगर, तो 0 टू a में ये हो जाएगा 0 dx जो कि हो जाएगा 0, राइट। तो ये आपको देखना है कि आपके पास जो भी आया है क्या ये है या ये क्या होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप लोग पूरा नोट करो आराम से। ये जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बोला उसे बोलते हैं क्विन किंग प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं क्विन प्रॉपर्टी, राइट। मैं मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता बट फिर भी मतलब दोनों प्रॉपर्टीज जिस तरह से हैं ये दोनों ही वेरी 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 यूजफुल। हाँ, सबसे अधिक इंटीग्रेशन में आपको हेल्प करेगा तो यही दोनों प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करते हैं, राइट। Noted. Done, everyone. जैसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको दिखाऊं इस प्रॉपर्टी का यूज एंड इस प्रॉपर्टी के वर्किंग, तो आई गेस यू लव दिस। I is equal to 0 to 2 pi sin to the power 4x dx, राइट। अब sin to the power 4x dx की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो a plus b minus x लगाऊंगा तो आई एम गेटिंग द सेम थिंग, क्योंकि पावर इवन है तो मैं बोल सकता हूँ 0 टू पाई हो गया, ये 2 बाहर आ गया, 0 टू 2a का 2 बाहर आ गया, क्या गया sin to the power 4x dx, राइट। अगेन पाई माइनस x लगाया फिर से वही बात आ गई तो मैं बोल सकता हूँ 2 एक और 2 बाहर निकाल दिया, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर ख्याल हो तो इसको आपने पहले भी निकाला हुआ है साइन टू दावर फोर एक्स को हम लोग पहले भी निकाले हुए हैं, या आपको बोला था फॉर्मूला याद रखना, उस फॉर्मूला पर आप यूज कर पाओगे। बट ध्यान से देखो ये आ गया 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दावर फोर एक्स डी एक्स, और यहीं पर इसे मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 cos to the power 4x dx, राइट। लिमिट को कैसे हाफ 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 में चेंज करना है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है, ओके। क्या क्या समझी थी? वो लिमिट में 2 पाई की जगह 2 रेस टू n पाई होता तो उसको भी ऐसे रिड्यूस कर देते। 100 पाई होता तब भी आप ब्रेक करते करते सीधा 100 को बाहर भी निकाल सकते थे ना, वो पीरियोडिसिटी का भी कमाल है। वो पीरियोडिसिटी वाली आगे आएगी कहानी, पीरियोडिसिटी अभी नहीं पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया है कि कैसे हाफ हाफ में करता जाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, ओके। सो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एंजॉय योर क्वेश्चन। फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, सेकंड इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x, थर्ड इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये ख्याल रखना स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्टार लगाने का मतलब होता है उसमें स्टार लगा। जीरो टू पाई
So you are very good. Very good. So you have talked about it. Sir, can you cancel today's physics lecture at 3 p.m.? Tomorrow is our physics paper, so we need some more time for revision. Is it okay for all? हाँ सर. सपोर्ट में एक आया है और बोलना चाहे बोल ले, लिखना चाहे लिख दे. हाँ नहीं वोटिंग है 4-0. अरे वाह, ठीक है ठीक है. चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ये 5 क्वेश्चन आप लोग करें, लेकिन लेकिन मैं थोड़ी से और पढ़ाऊंगा ना. चलेगा ना श्रेया? मैं अभी बात करता हूँ सर से. किस किसकी क्लास? नंद सर की क्लास है या शोम सर की? हाँ शोम सर की सर. ओके, मैं अभी बात कर लेता हूँ. हाँ
सर सेकंड वाला बता सकते? This one, sir. Right, a plus b minus x मैंने किया by 2 into 2 is okay. By 2 twice of मैंने like we have to divide this by cos square x, so I'm getting sec square x dx upon sec square x plus tan square x 3 times. Right? Sir. Yes. Is it okay? Just some. Huh? Limits. Kya limit? I guess the same answer you are getting. Huh? Sir, third wala. A plus. हाँ, third is very important. Star भी है. Star का क्या मतलब है? कि उसमें star लगा है. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आई गेस सभी का हो गया ये आसान सर. फिर से आई जीरो टू पाई बाई टू ए प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो गया. दोनों को ऐड किया टू आई हो गया जीरो टू पाई बाई टू तो एल एन साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया जिसे एल एन टू मैंने बाहर कर दिया डी एक्स राइट. तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉन्ग ऑफ साइन 2x. मीनवाइल आप लोगों का क्लास जो है वो आज का मैंने कैंसिल करवा दिया है. ठीक है, वेनसडे या थर्सडे जो भी होगा बीच में आप लोगों का एक दिन डाउट क्लास हो जाएगा देयर यू विल गेट एवरीथिंग ना. थैंक यू सर. ठीक है, ये आ गया अपने पास ना. अब ये तो अपना है, रहने देता हूँ. यहाँ पर 2x को हमने t ले लिया तो इंटीग्रेशन 0 हो गया, ये पाई हो गया, लॉन ऑफ साइन t dt हो गया एंड 1 बाई 2 होगा, दिस इज 2 है, माइनस पाई बाई 2 लॉन 2 जो है वो भी अपना रहेगा ही रहेगा. ठीक है, ओके. अब 0 टू पाई बाई 2 इसे ध्यान दो पाई माइनस x पर सेम है तो बाई 2 कर दिया इंटू 2 कर दिया राइट. 2y is equal to ये आ गया वही जिससे मैंने शुरुआत किया था, मतलब मेरा क्वेश्चन. और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 लॉन 2 जो है वो तो है ही है. इसे फिर से i लिख दिया तो i की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 लॉन 2. सो थ्री इज इट ओके. क्या ठीक है, और कोई? सर वो थर्ड में इंटीग्रल वन कैसे? थर्ड में क्या बेटा? नहीं सर, सेकंड में इंटीग्रल वन कैसे? सेकंड टैन इनवर्स वन बाय थ्री टैन इनवर्स तो पाई आना चाहिए ना. हाँ सर. हाँ सर. आंसर क्या लिखा हुआ है? थ्री बाहर आ जाएगा राइट. थ्री इज गोइंग देयर तो टू बाई थ्री टेन इनवर्स वन बाई ए टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री राइट. जीरो टू इंफिनिटी इन्फिनिटी पर ये पाई बाय 2 हो गया, 0 पर 0 हो गया तो पाई बाय 2 ये आ रहा है. यस हां सर. यस सर. ठीक है, शुरू में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा था, धीरे धीरे इसमें इतना परफेक्शन हो जाता है कि गलतियां कम होगी ना. और ये सब स्कोरिंग वाली जगह है ना, होना चाहिए. ठीक है, ओके. मैं सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, बट कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अब आप लोग घर पे ही कर लेना बाद में.
ये खत्म कर रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंटीग्रेशन हम लोग डेफिनेट को ख़त्म कर पाएँ ना, एंड उसके बाद एरिया एंड देन डिफरेंशियल को ख़त्म करने में भी अधिक टाइम नहीं लगेगा, राइट। फिर हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, ठीक है। आईआईटी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, अभी थोड़ा सा आपको रुक जाना, नेक्स्ट क्लास हो जाता है तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि प्रीवियस ईयर आईटी के पूरे क्वेश्चन को आप लोग जरूर करेंगे, राइट। एंड अब आप लोग शुरुआत हो जाओगे अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो हम लोगों को शुरू हो जाना है अपने आईटी के लिए, हाँ। तो मैं सोचा हुआ हूँ असाइनमेंट एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एंड जो भी आपका है अभी से नोट डाउन करना शुरू करो, लिखना शुरू करो कि कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम जा रही है, दिक्कत जा सकती है वगैरह वगैरह, एक जगह पर सब कुछ को लिख के रखो, हाँ। और वो अलग सा शीट मेरे को एक बार भेजते जाओ, उसी तरह से पूरी चीज़ों को आगे हम लोग ऐसे करना, मतलब 100% से कम मार्क्स आना मुश्किल है, ये समझना। अगर ढंग से एग्जाम देते हो तो बहुत मुश्किल काम होगा कि मेंस में आपके 100% से कम आ रहे हो, अब मतलब मेहनत करनी पड़ेगी 100% से, एटलीस्ट 90% से कम लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? कि आप फॉर्मूला भूलना शुरू कर दो, राइट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बंद कर दो ना, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़ दो, एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं जो एडवांस में नहीं है वो टॉपिक आपने टच ही नहीं किया, तो ये मेहनत करना पड़ेगा। और कोई टीचर बोल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं तो बुरा मान गए, वो अच्छा नहीं लगने लग जाए ना, इस तरह की चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, तब जाके ये रहेगा कि आपके 90% से कम मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर ये सब चीज़ें नहीं आ पाती है तो भाई गलती से आ जाएगा मार्क्स। अब ये है कि क्या मेहनत करना चाहते हो अधिक वाला या कम वाला, मेहनत करना चाहते हो पढ़ लिख के मार्क्स ले आएँ,